गाइस हम इस वीडियो में बात करेंगे यशराज के बहने तले कुछ ऐसी मूवी अपकमिंग आने वाली जो भैया इतिहास बना सकती है, मतलब रिकॉर्ड थोड़ा कमाई कर सकती है। चलिए उनकी लिस्ट देखते हैं कौन कौन सी वो मूवी होने वाली है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एनएल ज्ञान, देखते हैं इस वीडियो में कितना ज्ञान बांट सकते हैं। लॉकडाउन के बाद से कोई मूवी ऐसी चल नहीं रही थी बॉलीवुड की जिसने कलेक्शन अच्छा खासा किया हो, लेकिन एक मूवी चली इसका नाम था पठान। यशराज बहने तले इसको बनाया गया था। इसने जो कलेक्शन किया था वो आप सभी को पता होगा, इसने तूफान लाया था। गाइस इसी को ध्यान में रखते हुए यश चोपड़ा सर ने मूवी की अपकमिंग लिस्ट बनाई है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो मूवी होने वाली है। गाइस पहले आती है वॉर टू, वॉर मूवी का सिक्वल होने वाला है। इसमें कास्टिंग रोशन, कियारा आडवाणी, एनटीआर, जॉनी विलियम, साबिर, स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है। इसका बजट 200 के लगभग है, मतलब 200 करोड़। इसकी रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 को होने वाली है। गाइस के बाद आती है अल्फा हॉलीवुड की मूवी है। इसमें कास्टिंग आलिया भट्ट, सरवरी, बेबी देओल, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन। इसका बजट अभी हाइट रखा गया है, स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, इसका वॉर टू से कनेक्शन रखा जाएगा। इसकी रिलीज डेट 2025 की लास्ट में यानी कि दिसंबर में क्रिसमस पे होने वाली है। गाइस इसके बाद मोहित सूर्य के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसकी स्टोरी लव स्टोरी पे बेस्ड होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। गाइस इसका बजट लगभग 200 करोड़ के लगभग है। इसकी शूटिंग 2025 के लास्ट में शुरू होने वाली है। इसके बाद आती है मर्दानी 3। गाइस इसकी कास्टिंग रानी मुखर्जी, विशाल जैतवा डायरेक्ट कर रहे हैं, गोपी पुत्रन। ये मूवी आपको 2026 की शुरू में देखने को मिल सकती है। इन सब मूवी रिलीज होने के बाद एक मूवी आने वाली है, इसका पब्लिक काफी ज्यादा इंतजार कर रही है। इसका नाम है पठान 2। गाइस इसका पब्लिक काफी ज्यादा इंतजार कर रही है, और ये पहले जो पठान आई थी उसने जो करदा उड़ाया आप सबको पता ही होगा, इसलिए इसको बनाया जा रहा है दूसरी बार। इसमें कोई चेंज नहीं है, पुरानी कास्ट है पूरी तरह। इसको डायरेक्ट कर रहा है सुजीत घोष। इसका बजट 250 करोड़ के लगभग है। इसकी शूटिंग 2026 में शुरू होगी और 2027 में आपको फिल्म देखने को मिल सकती है। इसके बाद आने वाली है धूम 4। गाइस इसमें लोग अनुमान लगा रहे थे शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान या ऋतिक रोशन होने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। गाइस इसमें जब रवि कपूर का नाम अनाउंस किया गया तो पब्लिक शॉक हो गई कि ये कैसे हो गया। लेकिन अब इसके बाद पूरी तरह से स्क्रिप्ट और पूरी कास्टिंग चेंज की जाएगी, नए सिरे से इस मूवी को शुरू किया जाएगा। गाइस इसको डायरेक्ट कर रहे हैं विजय कृष्णा। इसका बजट अभी हाइट रखा गया है। गाइस शूटिंग इसकी 2025 की शुरू में होने वाली है, अक्टूबर की लास्ट में मूवी रिलीज होने वाली है। गाइस इसके बाद आने वाली है टाइगर विशेष पठान। गाइस ये एक ऐसी मूवी है जो अपना रिकॉर्ड ऐसा बनाएगी जो कोई मूवी तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें दोनों खाने और काफी अच्छी तगड़ी कमाई करेंगी। इसके बारे में कुछ खास बताने की आपको जरूरत नहीं है भाई, स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है, काफी पब्लिक इसको इंतजार कर रही है। ये खाली अभी अनाउंस हुआ है, इसको आप थिएटर में देख सकते हो 2027 के लास्ट में जाके। यश चोपड़ा सर की ये मूवी की लिस्ट है जो आपको 2027 तक लास्ट में जाके रिलीज हो सकती है सारी मूवी। तक के लिए बस इतना ही गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज बेल आइकन और वीडियो को लाइक करके जाओ यार प्लीज।